नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने टैंक को रिन्यू कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना टैंक पड़ा है तो आप नया लेने की सोच रहे हो, या उसको रिपेयर करने की सोच रहे हो, या मॉडिफाई करने के लिए सोच रहे हो, ये तीनों चीज़ के लिए आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक टैंक लिया है जो TVS का है, तो इसको मैंने रिन्यू किया है। तो इसके लिए मैंने चार प्रोसीजर फॉलो किया है। पहला जो था, मैंने इसको कलर जो पहले से था उसको रिमूव किया। दूसरा जो था, इसका डेंट था मैंने उसको भर दिया। और तीसरा जो था, मैंने इसके ऊपर पूरा रेडियम लगाया। और चौथा था, थोड़ा शाइनिंग के लिए मैंने इसके ऊपर पूरा लेमिनेशन लगाया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये टैंक कैसे दिख रहा है, अभी इसका लुक कैसा है, उसके बाद मैं आपको। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे दो तीन टैंक है, तो इसमें से मैं TVS का टैंक यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि ये जो टैंक है, इसका शेप जो है थोड़ा मस्त है, और इसमें लुक जो है थोड़ा बढ़िया आएगा। तो आप कोई भी टैंक ले सकते हैं जिसका आपको रिमूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल्स में सबसे पहले हमको चाहिए एक पेंट रिमूवर, जो इजिली हम जो टैंक का पूरा कलर है निकाल दे। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेंट रिमूवर लिया है। तो आप एयरक्राफ्ट रिमूवर भी ले सकते हैं, वो कोई भी पेंट की दुकान पर आपको इजिली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने दो पतरे लिए हैं, और ये देख सकते हैं जो हमारे टैंक में डेंट रहेगा, तो डेंट को भरने के लिए यहाँ पे मैंने कारपेट लिया है। तो ये दोनों को मिक्स करके मैं उसको लगाऊंगा। उसके बाद हमको चाहिए दो पॉलिश पेपर, एक मैंने 205 नंबर का और एक 80 नंबर का लिया है। उसके बाद हमको एक चाहिए ब्रश, जो हम ये लिक्विड को लेकर पेंट में लगा सके। तो सबसे पहले जो ये हमारा पेंट रिमूवर है, तो इसको थोड़ा हिला लेंगे जिससे ये जो बराबर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद लगाने के लिए हमको एक ब्रश लेना पड़ेगा, हाथ से आप इसको लगाना मत। उसके बाद पहले हम ढक्कन इसको खोल लेते हैं। तो ध्यान रखिए ये अपने हाथ से ना लगाएं और हाथ के ऊपर गिरे ना। यहाँ पे अभी ये जो हमने पूरा इसको चारों साइड से लगा दिया। लगाने के बाद आप इसको 2 मिनट वेट करिए, जब तक ये पूरा निकल नहीं जाता। 2 मिनट के अंदर जितने भी ये सारे थे इसमें से निकल जाएंगे। हमारा जो कलर है पूरा निकल गया लगभग, तो हम ये पतरे का यूज करके इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग जो हमारा कलर जो है लगभग हर जगह से निकल गया, लेकिन कहीं कहीं भी थोड़ा सा बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। तो एक बार इसको फिर से हम लगा के इसको साफ कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा कलर है निकल गया। चलिए इसको हम पानी से एक बार धो देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो टैंक है पूरा धुल गया। चलिए इसको धूप में रख दे थोड़ा सूखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डेंट भरने के लिए यहाँ पे मैंने कारपेट दिया है, तो आप पुट्टी भी ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ये दोनों को मिक्स कर दूंगा, उसके बाद जो हमारा डेंट है उसको मैं भर दूंगा। तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे टैंक मेरे को एक ही जगह पे जो थोड़ा डेंट है उसको मैं भर दूंगा कारपेट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो पॉलिश पेपर लिया है, तो ये जो 80 नंबर का पॉलिश पेपर है इससे हम घिस के लेवल में ले लेंगे। उसके बाद फिनिशिंग के लिए हम ये 205 नंबर यूज़ करेंगे। तो चलिए इससे जो है हम पूरा इसको घिस के पूरा लेवल में ले लेंगे।
यहाँ पे जो हमारा जो जंग लगा हुआ है ये, तो इसको भी हम इससे घिस के निकाल लेंगे, जिससे थोड़ी फिनिशिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टैंक था, हमने इसको साफ कर दिया। साफ करने के बाद अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं शॉप में आया हूँ, तो ये शॉप रेडियम की शॉप है। तो अभी मैं टैंक में जो है मैं रेडियम लगवाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कलर में क्या रहता है, हमको बहुत सारे कलर लगाने पड़ते हैं, फिर मतलब प्रोसीजर बहुत सारे रहते हैं, तो हमको कहीं जगह पे पेंटर भी नहीं मिलता करने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं इस पे रेडियम लगाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैंक है, तो इसी टैंक को मैं रेडियम कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे रेडियम मिल जाएंगे। तो चलिए मैं एक बार पास से आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कौन से रेडियम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। तो इसमें से मैं लगभग ये मेटेलिक रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि ये मेटेलिक रेड जो है ये हमारे टैंक पे बहुत सूट करेगा। तो मतलब इसमें लो कॉस्ट वाले भी हैं और हाई कॉस्ट वाले हैं, तो आपको जो कलर इसमें से अच्छा लगता हो तो आप वहाँ से जहाँ से लगवाने वाले तो शॉप से लगवा सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल मेरे को ये जो मेटेलिक रेड दिख रहा है ये मेरे को अच्छा लग रहा है। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉस्ट है इसका थोड़ा आपको कम मिलेगा, लेकिन जो मेटेलिक रहता है उसका कॉस्ट थोड़ा हाई रहता है और थोड़ा देखने में भी मस्त लगता है। तो अभी मैं फिलहाल ये मेटेलिक यूज़ करने वाला हूँ, तो चलिए इसको अपने टैंकी में जो है फिट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पूरी टैंक की, पूरी तो नहीं लेकिन आधी हो गई, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं एकदम अच्छा लुक आ रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है दिख रहा है पूरा। तो चलिए उस साइड का भी हम इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो टैंक है पूरा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लोगो लगाया है, ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लुक जो है इस तरह दिख रहा है पूरी। चलिए लेमिनेशन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लेमिनेशन है एक साइड का पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये शाइनिंग कर रहा है, तो देख सकते हैं कुछ तरह से। तो चलिए हमारा जो पीछे साइड बाकी लेमिनेशन लगाना उसको हम लगा देते हैं।
ज़्यादा मेहनत तो है नहीं, पूरी मेहनत जो है इनकी है, तो मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो चलो चलते हैं अभी। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया, हमारा जो चारों प्रोसीजर था इसमें कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद मैं आपको खर्चा बता देता हूँ कि यहाँ पे कितना लगा था। यहाँ पे जो मैंने पेंट रिमूवर यूज़ किया था उसकी प्राइस जो है 100 है। तो आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अगर खरीदते हैं तो आपको 100 का ही मिलेगा, वो ML पे डिपेंड है कि आपने कितने लीटर का लिया है और कौन सी कंपनी का लिया है, तो थोड़ा आपको उसके मतलब आसपास ही रहेगा। उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा जो डेंट रिमूव करने के लिए जो मैंने पुट्टी और जो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ किए थे वो भी मेरे को 200 के अंदर अंदर मिल गए थे। और मिला जुला के मेरा जो खर्चा बैठा 2000 का बैठा, जो मेन खर्चा जो था हमारा रेडियम का और लेमिनेशन का गया, और बाकी जो खर्चे थे मेरे 200-250 में जो डेंट भरने के लिए और साफ़ करने के लिए यूज़ किया था वो सब उतने के अंदर आ गए थे। अगर आपको इससे भी अगर सस्ते में करवाना है तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा महंगा इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने इसमें जो रेडियम जो यूज़ किया है वो थोड़ा मैंने बेटर क्वालिटी का यूज़ किया है, जिससे क्या थोड़ा लुक बढ़िया मिलता है। और वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा रेडियम यूज़ करना चाहते हो। अगर आप थोड़ा सस्ते वाला रेडियम यूज़ करेंगे तो आपका जो रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का लिया है तो उससे थोड़ा जो रेट है ज़्यादा हो गया, 2000 के आसपास पहुँच गया है। तो आप अगर थोड़ा रेडियम सस्ता लेंगे तो आपका जो रेट है थोड़ा कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और ये जो मैंने टैंक जो मैंने ये बनाया मॉडिफाई किया, तो ये TVS Max 100 का है, तो वो भी मैं गाड़ी मॉडिफाई कर रहा हूँ, वो भी लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, तो वो भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जल्दी। तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।